नमस्कार दोस्तों, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि हमें कोरोना को अवसर के रूप में समझना चाहिए और ये परिस्थिति भारत के लिए एक अवसर बन सकती है। पीएम मोदी ने भी यह कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनना है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब अमित शाह ने एक बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF की कैंटीनों पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। ये आदेश 1 जून से लागू हो जाएगा। इससे लगभग 10 लाख CAPF कर्मियों को 50 लाख परिजन स्वदेशी सामान का उपयोग करेंगे। पीएम मोदी की बातों ने अमित शाह पर एक गहरी छाप छोड़ी है, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। इसके लिए अमित शाह ने ट्वीट भी किया है और लिखा है कि कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने को और लोकल प्रोडक्ट्स भारत में बने उत्पाद उपयोग करने की अपील की, जो सुनिश्चित तरीके से आने वाले समय में भारत को विश्व का नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसी दिशा में आज गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF की कैंटीनों पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। अमित शाह ने जनता से अपील की है कि केवल देश में बने उत्पादों का ही प्रयोग करें। उन्होंने लिखा कि मैं देश की जनता से भी अपील करता हूं कि आप देश में बने उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें। ऐसा करने से भारत की अर्थव्यवस्था GDP बहुत जल्द अपनी पटरी पर आ जाएगी, क्योंकि कोरोना महामारी की मार की वजह से, लॉकडाउन की वजह से भारत की GDP बहुत नीचे गिर चुकी है, जो कि स्वदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से भारत की GDP जल्द से जल्द पुरानी पटरी पर पहुंच जाएगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं हम तो लगभग 25 साल पीछे पहुंच जाएंगे, क्योंकि GDP इतनी पीछे पहुंच जाएगी जिससे भारत काफ़ी पिछड़ा देश हो जाएगा। अगर यही संकल्प हर भारतीय लेता है तो 5 वर्षों में देश का लोकतंत्र आत्मनिर्भर बन सकता है। तो दोस्तों, आपसे अपील है कि भारतीय उत्पादों का ही प्रयोग करें, या मेड इन इंडिया। कहने का मतलब ये नहीं कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करने हैं, कंपनी कहीं की भी हो, बस बशर्ते वह भारत में इन्वेस्ट करे और भारत की ही कंपनी, मतलब कि भारत में कंपनी उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन या फिर उत्पाद करे, तो वह मेड इन इंडिया होगा। इससे मजदूरों को भी सहूलियत मिलेगी, नौकरियां मिलेगी, रोज़गार मिलेंगे और भारत की GDP जल्द से जल्द सुधर जाएगी। तो दोस्तों, आपसे बस इतनी छोटी सी अपील है, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।